दोस्त पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा और अजय बिश्नोई ने कहा कि शिवराज सिंह जी सिर्फ भाषण देते हैं, टीवी पर बात करते हैं, विजुअल देते हैं, पर रिजल्ट सिफर है। ये भावना दो हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों ने कही। ये हमारे विधायक नारायण त्रिपाठी हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रदीप जायसवाल हो या रामेश्वर शर्मा हो या सुरेन पटवा हो, उन्होंने भी समय समय पर कहा कि शिवराज सिंह जी की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। मैं मानता हूँ ये साफ गोई से जब हम लड़ेंगे तभी हम इस महामारी से जीत सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री एक हमारे शुरुआती दौर के बेंगलोर चले गए, आज स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है किसी को पता नहीं। मैं आदरणीय सभी मध्य प्रदेश के मीडिया कर्मियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर स्वास्थ्य मंत्री को कोई मध्य प्रदेश के ढूंढ के ला दे तो कांग्रेस पार्टी उसको 11,000 रुपए का इनाम देगी। कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री? एक डॉक्टर होने के बावजूद उनकी उपयोगिता, योग्यता, उनका क्या मध्य प्रदेश के लिए योगदान है? सिफर दिखता नहीं है। मैं मानता हूं ये हमारे लिए दुर्भाग्य हो गया। मैं नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, पर नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने 16 साल मंत्री रहे, जिनकी 17 साल से सरकार है, वो कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कमलनाथ जी पे लगाते हैं, दिग्विजय सिंह जी पे लगाते हैं और कहते हैं कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी। शर्म आती है मुझे इस पेंडामिक में आरोप प्रत्यारोप लगाकर सत्ता पक्ष के लोग अपने पाप को छुपा नहीं सकते। हम साथ देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी साथ देना चाहती है सरकार का, और इस पेंडामिक से लड़ने में हम सब सहयोगी बने, एकजुट हो, कोई पक्ष विपक्ष नहीं रहे। हम उस तरह की भाषा बोलना चाहते हैं। पर नरोत्तम मिश्रा के 1.5 महीना लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार करने के बाद जैसे ही आए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं ऐसी पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश की जनता, परिवार के लोग मरते जा रहे हैं। एक भोपाल की आंकड़े सरकार के क्या है मुझे नहीं पता, वो तो 100, 150, 200 ऐसे आते हैं इस पेंडामिक में मरने वाले, पर अखबार के आंकड़े कहते हैं कि 5,000 के आसपास भोपाल में लोग शमशान घाटों में मरे हैं जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, और 2,500 से ज्यादा, 2,500 से ज्यादा कोविड के प्रोटोकॉल में कब्रिस्तान और शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुए हैं। इसका मतलब है कि एवरेज ऐसा ही इंदौर में भी है, ऐसा ही जबलपुर में भी, ऐसा ही ग्वालियर में भी। इसका मतलब है कि एक जिले में 3,000 से ज्यादा मौतें प्रोटोकॉल, कोविड के प्रोटोकॉल से हुई है। गांव-गांव के आंकड़े ही नहीं है मध्य प्रदेश में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।